हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल। आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड यू ऑल आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके लिए जो स्टूडेंट्स का जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लाइक यहाँ पर टोक लगाना है, यहाँ स्पीक लगाना है, टेल लगाना है, सी लगाना है, आंसर लगाना है, रिप्लाई लगाना है, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उनके सिर पर। तो आज आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं स्पेशली इस टॉपिक को लेकर आई हूँ, और आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू आपका जो कंसेप्ट है, आपके जो भी डाउट्स हैं, उनको मैं क्लियर करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टॉपिक। बट बिफोर स्टार्ट, आई अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजली गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ द कमिंग वीडियोज। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे फर्स्ट देखिए, हमें क्या क्लियर करना है, आपका डिफरेंस क्लियर करना है बिटवीन स्पीक, टेल वर्सेस सी वर्सेस रिप्लाई वर्सेस आंसर एंड वर्सेस टॉक। तो पहले तो इनका मीनिंग जान लेते हैं। स्पीक मींस क्या होता है? स्पीक मींस बोलना, स्पीक मींस बोलना, टेल बताना। अब बोलना, बताना, सी कहना, रिप्लाई ये भी बताना होता है, आंसर देना या रिप्लाई करना, आंसर उत्तर देना, टॉक बातें करना। अब ये इनका मीनिंग आई थिंक क्लियर है सबको, ये आप बार बार रिपीटेशन में जो है पढ़ते भी आए सेंटेंसेस में, फिर भी अगर आपको नहीं आते थे तो आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू, तो अभी आपको बताया मैंने, स्पीक बोलना, टेल बताना, सी कहना, रिप्लाई बताना, आंसर उत्तर देना, टॉक बातें करना। अब इनका कंफ्यूजन कैसे रहता है देखिए, स्पीक स्पीक और टॉक लगभग दोनों को आप यूज कर रहे हैं, स्पीक एंड टॉक। अब स्पीक मींस कहना, स्पीक वी वन, स्पीक की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज स्पोक, थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन। अब ये क्लियर है, इट्स प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म वी वन, वी टू पास्ट फॉर्म, इट्स पार्ट पार्टिसिपल वी थ्री। तो वी टू वी थ्री ये क्लियर है, स्पीक स्पोक स्पोकन। नेक्स्ट है हमारी टॉक, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, टॉक बातें करना, बातें वी वन वी टू वी थ्री। नेक्स्ट आती है से, से सैड, सैड से की वर्ब होती है सैड, सैड। फिर आते हैं हमारा टेल, ये वी वन है टोल्ड, वी थ्री टोल्ड। नेक्स्ट आते हैं रिप्लाई, वी वन आते हैं रिप्लाई, रिप्लाई और रिप्लाई। रेगुलर ई रेगुलर वर्ब मैंने पहले भी आपको पिछली जो प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, वहां मैंने पहले से ही आपको बताया था। आंसर जो है वी वन होता है, आंसर आंसर जिन भी वर्ब की फॉर्म में वी टू और वी थ्री के अंदर जहां पर भी आपको ईडी लगाना होता है दैट इज वेरी इजी ना, स्टूडेंट को जो लर्न करने में बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट लगता है जहां पर भी ईडी और ईडी लगता है। ये देखिए कुछ जो है चेंज होती है, बट यहाँ पर स्पीक स्पोक स्पोकन, टॉक टॉक टॉक, say sad sad, tell told told, reply replied replied, answer answered answered। अब आप कहेंगे इनमें क्या मतलब, हमारा कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ, कंसेप्ट क्या था, इनमें डिफरेंस बताइए। अभी मैंने इनका मीनिंग बताया है, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू इनके कंसेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। चलिए डिफरेंस कर लेते हैं स्पीक एंड टॉक के बीच में। स्पीक वन साइड से बोलना होता है, जैसे अगर मैं बात करूं आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ यानी मेरी तरफ से स्पीकिंग चल रही है, तो जब एक साइड से कन्वर्सेशन होती है दैट इज स्पीकिंग, वन साइड कन्वर्सेशन, ठीक है, वन साइड से बोलना। जैसे राहुल इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, समवन इज स्पीकिंग, तो कोई भी जो अपनी बात को बोल रहा है किसी के सामने दैट इज स्पीकिंग। और टॉक क्या होता है, टॉक टू साइडेड कन्वर्सेशन होती है, यानी दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है दैट इज टॉक। जैसे ये सबको पता है जनरली कि दो लोग ही बातें करेंगे ना आपस में, वन साइड से तो कन्वर्सेशन होगी नहीं, टू साइडेड कन्वर्सेशन को जैसे ऑल वर टॉकिंग, व्हेनेवर टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास,
टीचर इज अब्सेंट एंड टीचर इज गोइंग फॉर सम वर्क, ऑल स्टूडेंट वर टॉकिंग. तो वर टॉकिंग मीन्स टू साइडेड कन्वर्सेशन या मोर देन टू, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, तो वहां पर हम टॉक यूज करेंगे, नॉट स्पीक. वहां पर बोलना नहीं होता है, स्पीकिंग वन साइड से बोलना होता है. तो स्पीक और टॉक का डिफरेंस क्लियर है. स्पीक मीन्स बोलना, टॉक मीन्स बातें करना. थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है इनमें. तो ऐसे ही वर्ड है ये जो मैंने सिक्स वर्ब अभी आपके सामने रखी है, स्पीक, टेल, से, रिप्लाई, आंसर, टॉक. तो ये ऐसे वर्ब है गाइस जिनको आप बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे तो देयर इज माइनर डिफरेंस. इनके बीच में बड़ा हल्का सा डिफरेंस है जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है. वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे. देखिए नेक्स्ट इज, जब बोले कि मेरी माँ बोली या वह बोला, इट मींस जब मैं अपनी बात करूं कि मैंने उससे कहा या राहुल ने मुझसे ये बात कही, तो ही सेड टू मी. डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने पढ़ा है, मैंने पीछे करवाया भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है, तो वहां पर जो है हम हमेशा से, सैड, टेल, टोल्ड इस तरीके से यूज करते हैं. तो से मीन्स वी यूज अवर वॉइस टू शेयर. शेयर मतलब हम अपनी बात को जब शेयर करते हैं, अपनी आवाज को शेयर करना, हम अपनी बात को जब शेयर करते हैं, अपने बोल की जब हम बताते हैं किसी को, तो वहां पर से यूज करेंगे. से सेकंड फॉर्म सैड, सैड जब बोले कि मेरी माँ बोली, इट मींस माय मदर सैड, माय मदर सैड. ही सैड, ईट फूड, खाना खा लो. माय मदर सैड, वियर न्यू ड्रेस. तो सैड मींस कहा, उसने कहा. तो से इज यूज टू शेयर बाय आवर वॉइस, अपने मतलब व्यूज को शेयर करना अपनी खुद की आवाज से, दैट इज से. टेल बताना, अब बताना क्या होता है, हिडन थिंग्स को बताना, यानी बहुत बार होता है ना, ही इज टेलिंग अ स्टोरी, ही इज टेलिंग वन मिस्ट्री, एक राज बता रहा है तुम्हारे कान में. तो टेल बताने के लिए होता है, हिडन थिंग्स को बताने के लिए. द वर्ब से एंड टेल आर वेरी सिमिलर, बहुत ही सिमिलर है दोनों ही वर्ब. पढ़ा भी है आपने से और टेल के बारे में, हल्का सा डिफरेंस है. बट से इज मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग समथिंग. से जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, अपने व्यूज को, अपनी बात को बताने के लिए. एंड टेल इज मोर अबाउट इंफॉर्मिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग समवन. टेल यानी ही इज टेलिंग द रूल्स ऑफ न्यू ऑफिस. तो जहां पर टेल आ जाता है वहां पर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को, या भी या इसके अलावा कोई आप हिडन थिंग्स को बता रहे हैं, तो वहां पर आप टेल यूज करेंगे. या टू नरेट, टोल्ड द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी को बताने के लिए हम से नहीं कहते हैं, ही इज सेइंग, ही सेड द स्टोरी नहीं बोलेंगे, ही टोल्ड द स्टोरी या ही इज टेलिंग द स्टोरी. तो यहां पर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है. स्पीक, टॉक, स्पीक मैंने बताया वन साइड से बोलना, टॉक टू या मोर देन टू के बीच भी जो कन्वर्सेशन होती है. से जब हम अपनी ही वॉइस को शेयर करते हैं, और टेल हिडन थिंग्स को बताना या नरेट करना किसी भी चीज को, पूरा जो इंस्ट्रक्शन देना है या किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है. तो गाइस दीज फोर वर्ब्स आर क्लियर. नाउ व्हाट इज पेंडिंग, रिप्लाई एंड आंसर. सो नाउ वी आर डूइंग नाउ द डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई. आंसर उत्तर देना. आंसर रेफर्स टू अ सॉल्यूशन टू अ क्वेश्चन. आंसर मीन्स जहां आप किसी सॉल्यूशन को बताते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए. आंसर इज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन, यानी ऐसा रिस्पॉन्स देना जो किसी स्टेटमेंट या किसी क्वेश्चन के लिए दिया जाता है, दैट इज आंसर. और अगर रिप्लाई की बात करें तो रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, ये भी सेम वही है आंसर की तरह ही. रिप्लाई रेफर्स टू अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी आप क्वेश्चन के ही रिस्पॉन्स को आप बताएंगे रिप्लाई में. तो रिप्लाई इज अ रिटन और स्पोकन रिस्पॉन्स, पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, यानी किसी कन्वर्सेशन के साथ जब बात होती है, कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो वहां पर आप जो रिस्पॉन्स देते हैं रिटन में या स्पोकन में, दैट इज रिप्लाई. अगर हम बात करें द टीचर आस्क्ड व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 + 2, अगर इस तरीके से बात की जाए, इस तरीके से एक टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 + 2, तो वहां पर बॉय आंसर्ड लिख सकते हैं आप 4, या बॉय रिप्लाइड अगर आप 4 लिखते, दैट इज आल्सो राइट, नॉट रॉन्ग. तो इट इज क्लियर दैट बोथ आंसर एंड रिप्लाई,
आंसर एंड रिप्लाई कैन बी यूज इन फॉर्मल सिचुएशंस वेयर अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो जहां पर भी आपको फॉर्मल कन्वर्सेशन लगती है या इस तरीके से जो फॉर्मल क्वेश्चन आस्क किया जाता है, वहां पर आप दोनों ही वर्ब्स को यूज कर सकते हैं, आंसर एंड रिप्लाई दोनों ही जो है करेक्ट है। तो ये देखिए, आज हमने जो है इस तरीके से फोर वर्ब्स का यूजेज सीखा है, सिक्स वर्ब्स का यूजेज सीखा है, और छह की छह वर्ब जो है वो इंटरचेंज हो सकती हैं, एक दूसरे की जगह यूज की जा सकती है, बट देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस बिटवीन द यूजेज ऑफ देम। तो इनका यूज कहाँ, किस तरीके से, किस सिचुएशन में अलग होगा, किस सिचुएशन में जो है सिमिलर रहेगा, वो आज हमने लर्न किया है। अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं वर्ब्स का यूज़ करके और एग्जाम्पल के थ्रू इन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही जो है आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमेशा कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ एवरी वीडियोज ऑफ इजी वे टू लर्न विद प्रीति। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।